individual, what we could do as a shareholder or a stakeholder, whether it's a plastic industry, the citizens, the governance model, this is what we prove at Varsova Beach. Now, without taking much time, I will give it to Mr. Sachdeva from Plastic Foundation. He will explain what he intends to do, and then we'll pass on the mic to 4-5 and then go on with our work. Volunteers and my friends from Plast India Foundation, yeah, aaj Varsova Beach per ज्वाइन करने के लिए प्लास्टिक इंडस्ट्री की तरफ से मुझे याद आता है 5 जनवरी का वह दिन जब प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम लिया था वर्ल्ड का बिगेस्ट टी शर्ट जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़ा टी शर्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। हमारा उद्देश्य उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि हम लोगों को दिखाएं यह टी शर्ट बना रहा 2 लाख पैट बोटल्स को रिसाइकिल करके ये टी शर्ट बनाया गया था। हमारा उद्देश्य प्लास्टिक की बोटल्स को, तो हमारा उद्देश्य था कि इससे हम लोगों में अवेयरनेस लाएं कि यूज के बाद भी प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, वेल्थ है। इससे हम उपकारी पदार्थ बना सकते हैं, टी शर्ट बना सकते हैं, बेंच बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, ये उद्देश्य था। उसी में सौभाग्य हुआ माननीय अफरोज शाह साहब उसमें हाजिर हुए, हम लोग की हौसला अफजाई की। उसी दिन इस बीच क्लीनिंग प्रोग्राम का उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और हम इंडस्ट्री वालों के मन में हुआ कि जब ये इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम भी इससे क्यों न जुड़े। तो ये 5 जनवरी को ये हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट किया था और आज सौभाग्य है कि 1 अप्रैल इस फिनंशियल ईयर के पहले दिन हम लोग ये प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। मैं केवल ये चीज़ें कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्लास्टिक प्रोड्यूसर प्रोसेसर्स प्लास्टिक इंडस्ट्री, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम प्लास्टिक यूज के बाद में कचरे में न जाए, उसकी रिसाइकिलिंग हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहूँगा, ECR एक्सटेंडेड सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ECR एक्सटेंडेड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब के 125 करोड़ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्लास्टिक को यूज करने के बाद जो एक बहुत वंडरफुल मटेरियल है जो हमारी दैनंदिन जीवन को में सहयोग कर रहा है, इसको हम फेंके नहीं। डोंट थ्रो प्लास्टिक, ग्रो विथ प्लास्टिक। सो हम इसे फेंके नहीं, अगर हम इसे फेंके नहीं और रिसाइकिल करें तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये ओशन से जो इनर्जी है उसी का एक पार्ट है प्लास्टिक, जब वो हमारी लाइफ को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जा रहा है तो हम उसको वापस गार्बेज के रूप में पाताल में समुद्र में ना फेंके, यही सबसे अपील है। और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने 1 वर्ष के लिए ये जंगली एक्सकेवेटर और ट्रैक्टर इसके संचालन में हम लोगों ने 1 साल तक सहयोग देने का वादा किया है और मैं चाहता हूँ कि अफरोज शाह ने जो अपनी बींग ओशन टीम के साथ ये जो प्रोग्राम शुरू किया है इसकी असल सक्सेस तब होगी जब ये भारत के सभी बीचों में लोग सिटीजन्स इसको फॉलो करें और इसको रेप्लिकेट करें। थैंक यू। ये प्लास्टिक रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ मैडम और इसको हम दे रहे हैं जो स्कूल के बच्चे हैं जो छोटे उनको दे रहे हैं। सक्सेरिया जी ने बोला है कि ये जो टी शर्ट बना इससे वॉलेंटियर्स को भी दिया जाएगा टी शर्ट, तो ये गुड न्यूज़ है, सब वॉलेंटियर्स को फ्री टी शर्ट मिलेगा रिसाइकल पेट बॉटल से। दूसरा, जब मैं इनके पास गया बात करने जनवरी में, उन्होंने 5 मिनट में डिसाइड किया कि अफरोज हम आएंगे आपकी मदद करने के लिए, विच इज़ फैंटास्टिक। तीसरा, ये ट्रैक्टर और जंगली जो है एस्कॉर्ट कंपनी का है, ये अमिताभ बच्चन जी को आज भी दिल से थैंक यू, उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से और ट्रैक्टर एस्कॉर्ट कंपनी से लिया, बहुत बहुत उन्होंने ये अरेंज करके दिया। और सारे बीच इंथुजियास को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम लोगों को इस मौके पे यहाँ सम्मिलित होने का मौका दिया आप लोगों ने। हम लोग अभी नेशनल मैरिटाइम वीक मना रहे हैं। नेशनल मैरिटाइम वीक 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका बैकग्राउंड है कि 5 अप्रैल 1919 में पहली बार एक स्टीमशिप
बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुआ था, एसएस लॉयल्टी कहते हैं उसको। इस बार हम लोग 100वां साल मना रहे हैं उसका, जब ये पहला स्टीमशिप बॉम्बे से चला था। हमारी मैरिटाइम हिस्ट्री इससे बहुत पुरानी है। लोथल है गुजरात में एक जगह, जहाँ बहुत पुराना हरप्पन सिविलाइजेशन का एक पोर्ट सिटी मिला है। तो हमारे पास उस समय से ऑर्गेनाइज्ड पोर्ट्स हैं, जहाज हमारे हमेशा से चलते रहे हैं। अशोकन एज में अशोक ने अपने बेटे को जहाज से बिहार से, जो कि लैंडलॉक है, बिहार से भेजा था श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ उन लोगों ने बुद्धिज़्म का प्रचार किया था। हमारा ट्रेड गल्फ से, अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से जहाज के माध्यम से चलता रहा है हमेशा। आज के दिन भी 90% हमारा जो एग्जिम ट्रेड है वो पानी के जहाज के माध्यम से होता है। और आज हमारे बीच में आप देख रहे होंगे हमारे सारे नाविक खड़े हैं। समुद्र इनकी ज़िंदगी है, और समुद्र को गंदा देखना से बड़ा दुख इनका इनके लिए कोई कुछ और नहीं है। आज इस मौके पे हम लोगों को लगा कि इतना अच्छा कार्य जो वर्सोवा में हो रहा है, इसमें हम लोगों को भी अपना कुछ योगदान देना चाहिए। और एक समझ पैदा करनी चाहिए सारे इंसानों में कि समुद्र को गंदा करना, अपने घर को गंदे करने से भी खराब है। और इसकी सफाई के लिए जितने भी उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय हमें करने चाहिए। आजकल हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, जिसको हम लोग इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन यूएन का मैरिटाइम रेगुलेटर है। वहाँ पूरे विश्व में समुद्र से प्लास्टिक कैसे हटाया जाए इस पर बातचीत चल रही है। और इंडिया के पास एक मौका है कि हम वो लीडरशिप दिखाएं, ताकि सारे देश के लोग ये हमारी जो पहल है उससे कुछ सीखें और उससे आगे बढ़ें। लोगों ने बहुत काम किए हैं अपने बीचेस, अपने सी, अपने वाटर्स को साफ करने के लिए। हमें भी उन तक पहुंचना है और उनसे आगे बढ़ना है, और मुझे उम्मीद है ये पहल इस दिशा में एक अच्छी पहल होगी। धन्यवाद। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अखरोट जैसे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं, प्लास्टिक प्रोडक्शन का जो फाउंडेशन का जो लोग हैं वो तो हमेशा यहाँ आते ही है, आज आप भी आए हैं, बहुत अच्छा लगा। हमारे गडकरी साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अवेयरनेस होना चाहिए वो अवेयरनेस करने के लिए टीम वर्क है। ये अफरोज बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सब लोगों को उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं, अच्छे से सपोर्ट दे रहे हैं, और भी आएंगे अफरोज, डोंट वरी, हम भी आपके साथ में हैं, और ये बढ़ता जाएगा। खाली वर्सोवा ही मत करो, अभी पूरे मुंबई में देखो, 720 किलोमीटर का किनारा है हमारे महाराष्ट्र को, तो उसको भी हमें आगे बढ़ाना है काम, और आदत बदलनी चाहिए लोगों की। अभी आपने जो टी शर्ट बताया है बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है, हम आपके ज़रूर यहाँ मिलने के लिए आएंगे, क्योंकि हमारे वॉलेंटियर्स भी बहुत होते हैं, सबके लिए आप टी शर्ट देंगे तो हम आपको प्लास्टिक भी दे देंगे, क्योंकि बहुत सारा प्लास्टिक हम उठा के लेके आते हैं, प्लास्टिक बॉटल दे देंगे। हाँ, जो भी है, क्योंकि इकट्ठा करते करते उसका भी क्या करें समझ में नहीं आता है। आजकल कचरे का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, यहाँ फेंको वहाँ फेंको, उठाने वाला कोई है नहीं, तो इसका कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम आपके साथ ज़रूर बैठेंगे, अफरोज को भी लेके आएंगे। आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा,
और आगे भी मिलते रहेंगे, आइएगा वर्सोवा में, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बस एक लास्ट रिक्वेस्ट बिफोर वी गो टू कंसर विदिन डीजी शिपिंग से, वो बोल रहे थे इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए इसके लिए, है ना। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट तो बहुत ज़ोरों से यहाँ मदद कर रहा है, बट IMO जैसी बॉडी आ जाए और डीजी शिपिंग आ जाए, हाउ टू टैकल दिस मरीन डेब्रीज, ये अभी डीप सी का प्रॉब्लम नहीं रहा, कोस्ट लाइन सब है। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर कमिंग। वन सेकेंड, आई विल गिव इट टू मिस्टर सक्सेरिया, वांट्स टू डू अ स्लोगन फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री, आई विल गिव द माइक। From this beach we want to start the distribution of t-shirt, jaisa madam ne bola t-shirt from the Guinness Book of Record t-shirt. I will request our environment committee chairman Mr. Kanuga to hand over token 25 t-shirts to Mr. Afroz, and we will be distributing to all the volunteers. I can only say plastic serves littering pollutes, so we should be responsible not to litter, each and everyone. Thank you. That's where the role of plastic industry comes in. Jo litter kare usko roko, aur nahi ruke to fir uthao. Thank you very much.